आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिपाही पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान बदमाश सिपाही की बंदूक लेकर फरार हो गया। वहीं घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सिपाही की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वृंदावन के पास ट्रॉमा सेंटर जो है, पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत, एक कांस्टेबल रोशन रजा जो कि पुलिस लाइन से अटैच है, वो अपनी पीएसओ ड्यूटी करके मोहनलालगंज अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। उन्होंने मौके पे उसको पकड़ लिया। फिर वहां पे पुलिस पहुंची और इन सबको थाने लेकर आई। उन्होंने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो कांस्टेबल रोशन रजा है, इनकी पिस्टल भी थाने पे जमा कर ली गई है। बलिया में दबंग अध्यापक से बिजली उपभोक्ता परेशान है। दरअसल सरकारी ट्रांसफार्मर पर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ने दिया जा रहा है और सरकारी ट्रांसफार्मर को दबंगों के बल पर अध्यापक ने अपने लिए प्राइवेट बना रखा है। वहीं दबंग अध्यापक के खिलाफ विद्युत ऑफिस में शिकायत की गई है और पीड़ितों ने बिजली कनेक्शन जोड़ने की गुहार लगाई है। मैं पुराने कनेक्शनधारी हूं, मैं एक ट्रांसफार्मर से लाइट लेना चाहता हूं जो कि अंजनी कुमार मुकुल जो पेशे से अध्यापक हैं वो विरोध कर रहे हैं, उस पर से लाइट खींचने नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर से लाइट लेने में विरोध कर रहे हैं कि मेरा वो पर्सनली लाइट है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, लाइट किसी के पर्सनल तो होता नहीं। ट्रांसफार्मर जो लगा है वो सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी है सर। चाहते हैं कि हमारा भी कनेक्शन उससे जुड़ जाए, लेकिन ये दबाव बना रहे हैं। मनबड़ किस्म का आदमी है, दबंग आदमी है। मुरादाबाद में AIMIM के नेता द्वारा भारतीय मूल की पत्रकार को सोशल मीडिया पर बधाई संदेश डालने पर अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित नेता ने मुरादाबाद पुलिस को शिकायत पत्र सौंप कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक AIMIM के नेता ने कहा कि राणा अयूब को पत्रकारिता के जगत में बेहतर कार्य करने और अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने पर सोशल मीडिया पर बधाई दी, जिसके बाद से ही उनको धमकी मिलने लगी। हमारे देश की बड़ी प्रतिष्ठित एक जर्नलिस्ट हैं राणा अय्यूब साहिबा, तो उनको अब अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है जर्नलिज्म के ऊपर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है। तो उनको बधाई देने के लिए मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि हमारी भारतीय नागरिक जो हैं राणा अय्यूब साहिबा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो उनकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी साथ में, तो वो बहुत वायरल हुई वो। अब उसके बाद वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है किसी का अज्ञात नंबर से और वो कहता है कि आप जो है वो अपनी कौम की बेटी को समझाओ और ये करो, तुम्हें देख लेंगे, और इस टाइप की धमकी दे रहा था वो। तो उसकी सूचना मैंने मुरादाबाद में DIG शलभ माथुर ने आगामी त्योहारों कावड़ यात्रा और ईद उल जुहा को लेकर SP दिनेश सिंह, SP सिटी प्रवीण रंजन सिंह और ADM प्रशासन विनय कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ मोटा महादेव पुलिस चौकी पर बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने को भी कहा। इसी कड़ी में आगामी त्योहारों को लेकर DIG बिजनौर पहुंचे और शहर में पैदल गश्त भी की। कल बिजनौर में पैदल गश्त शाम को की गई थी, उसके उपरांत जो है यहाँ पर सभी SOs और क्षेत्राधिकारी की मीटिंग मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक बिजनौर के द्वारा की गई। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर हम लोग किस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो ब्रीफ किया गया। उसके बाद आज ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर, कल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरिद्वार में हुई थी जिसमें हमारे भी अधिकारी गए। ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को क्रियान्वित करना है, किस तरह हमारी फोर्स का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसी संदर्भ में हम लोग के द्वारा निरंतर ब्रीफिंग की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास टॉयलेट करने के लिए रुके कार सवार व्यापारी अपने ड्राइवर से कार रुकवा कर टॉयलेट करने लगता है। वैसे ही ड्राइवर कार और सूटकेस लेकर फरार हो जाता है। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे की मशक्कत के बाद वारदात को अंजाम देने वाले दो महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 81,68,000 रुपए और एक लैपटॉप सहित कार को भी बरामद कर लिया है। दादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी ने दोपहर लगभग 12 बजे आकर के सूचना दी थी कि वो दिल्ली से अनूप शहर की तरफ जा रहा था और अपने ड्राइवर के साथ कुछ कैश और लैपटॉप और मोबाइल उसके पास जो था वो लेके जा रहा था। और जैसे ही वो पेरिफेरल से नीचे उतरा और उसने अपने ड्राइवर को रोका कि भाई उसे लघु शंका लग गई है, तो वो गाड़ी को रुकवाया। उसी बीच क्या हुआ कि ड्राइवर जो है गाड़ी लेकर के फरार हो गया। इस पर उसने व्यापारी ने जो है सूचना दी और सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसके बाद टीमें गठित कर दी गई और टीमों को गठित करते हुए जो है इसका सफल शीघ्रता से जो है रात भर के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है। बदायूं के अलापुर में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर थाना अलापुर परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और प्रभारी निरीक्षक ने त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। त्योहारों पर शांतिपूर्वक नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाकर शांति से कुर्बानी करने की अपील भी की गई और कुर्बानी के अवशेषों को गड्ढा खोद कर उसमें दबा दे जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, इस तरह की अपील भी की गई। आपको बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले कमालपुर गांव में गाली देने का विरोध करने पर दो पक्षों में लाठी डंडे चलने का वीडियो सामने आया है। वहीं एक पक्ष की ओर से एसपी दफ्तर में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई, मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए। शालिनी नाम है, कमालपुर के रहने वाले हैं। सक्सेना लोगों पापा से कुछ ऐसी मोचावर हो गई होगी, बोलोगी पता नहीं। फिर एक बार समझौता हो गया, दोबारा हम यहाँ अपने अकेले थे घर पे, मैं और मेरे दो भाई। उन्होंने घर पे आके हम तीनों को पीटा है। अरे कुछ हमारे पति से कुछ झगड़ा हो गया होगा, हम आते नहीं है। मेरे भाई ख़त्म हो गए, वहाँ चले गए। मेरे बिटिया दमन घूमने आए, हमारे दो लड़के थे, हमारे घर पे आके इनने पीटा, मार पीट करी, लाठी डंडे चलाए। और लाठी डंडे चला के इनने 3 दिन हो गए आज, हम थाने ले गए, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे चाचा जी से इससे पहले सक्सेना लोगों से कुछ बहस हुई थी, मारपीट हुई, लेकिन समझौता हो गया कोतवाली में। और शाम को आते ही पहले गाली गलौज की, घर पे कोई नहीं था। हमारी बहन और दो भाई और थे, तो घर पे कोई ना होने के कारण पहले गाली गलौज की, फिर घर पर आकर उन सक्सेना समाज के सभी लोगों ने मारपीट की। वो गाली गलौज बोल रहा था, ऐसी मना करने पर कूद डाला। कौन गाली गलौज कर रहा था? वो राजकुमार उर्फ अलवर, उसके भाई जन थी सब। कहाँ का मामला है? छिबरामऊ। कौन सा गांव? कमालपुर सर। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल संज्ञान में आया है, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट का है। दोनों पक्षों से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाए। बहराइच में तहसील महसी में सिलौटा के रामघाट पर बाढ़ आपदा से बचने के लिए एनडीआरएफ की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में नदी पार करते समय नाव पलटने पर लोगों को डूबने से बचाने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान एडीएम मनोज कुमार समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और आपदा मित्रों ने अपना मॉक ड्रिल किया है और ये बताया है कि किस ढंग से अगर कोई नदी में डूब रहा है तो उसको हम किस ढंग से बचा करके राहत शिविर में या इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाएंगे। ये मॉक ड्रिल एक प्रदर्शन है, एक्चुअल में जब बाढ़ आएगी और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो संयोग से हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी कैंप करती है, वो लोग बचाव करते हैं। लेकिन जब तक कोई पीएसी, कोई एसएसबी की टीम या एनडीआरएफ की टीम आती है, उसके पहले जनता स्वयं किस ढंग से बचाव करे उसका भी प्रदर्शन किया गया है।
श्रावस्ती में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये प्रमाण पत्र जिला अस्पताल के नाम से बनाया जाता था। तेजस सिंह का डिजिटल सिग्नेचर हैक करके प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। दरअसल सीएमएस तेजस सिंह ने पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली भेनेगा में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल और स्वाट की संयुक्त टीम बनाकर घटना के सफल अनावरण के निर्देश दिए थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के चार छात्र अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अभियुक्तों के पास से चार मोबाइल फोन, जन्म प्रमाण पत्र और 1010 रुपए नगद बरामद हुए। जिला अस्पताल के सीएमएस द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और बताया गया कि उनकी आईडी हैक करके उनके डिजिटल सिग्नेचर से जन्म प्रमाण पत्र किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम, साइबर टीम, सभी लग के लोकल पुलिस सभी ने मिलके इस पर काम किया और चार साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से चार मोबाइल और 20 जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न नामों से और कुछ पैसे बरामद किए। खबर गोंडा से है जहां पर एक हत्यारा पुलिस के शिकंजे से फरार हो गया है। आरोपी श्यामू खोरी को जिला कारागार से न्यायालय लाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को चकमा देकर आरोपी न्यायालय जाने के दौरान फरार हुआ। जिला कारागार में पेश होने के लिए आरोपी को न्यायालय लाया जा रहा था। हत्यारा श्यामू खोरी कोतवाली नगर के निहालपुरवा का रहने वाला है। गोंडा में आज एक कचहरी में जुडिशियरी में केसी के लिए कुछ अभियुक्तगण आए हुए थे, उनको संबंधित कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तो उसमें एक का श्यामू नाम का अभियुक्त कोतवाली नगर से संबंधित है, चार्जशीटेड है वो। उसकी गवाही का प्रकरण था आज उसके मुकदमे में, तो वो जो है जो संबंधित कांस्टेबल को जो ले जा रहा था उसको अटैक करके चकमा देकर भागा हुआ है और इसमें पूरे इसकी तलाशी ली जा रही है और उसमें जो भी संबंधित मामले इसको देख करके उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र में चार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चोरी का सामान बेचने आते समय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। की सूचना पे भैसलिया गांव दक्षिण रेलवे के पास से हम लोग एक इनोवा कार में दो अंतर जनपदीय गिरोह के दो सदस्य मिले हैं। एक का नाम है कलाम उर्फ इमरान, दूसरा है शकील अहमद और इन्होंने काफ़ी चोरी घटनाएं हमारे क्षेत्र में की। इनके पास से हमें एक अदद इनोवा, 1,00,000 रुपये नगद, दो अदद अंगूठी मिली है रोज गोल्ड की, जो कि कलाम उर्फ इमरान के बरामदगी मिली और बाकी कई होम अप्लायंसेज मिले हैं और कई सारे जेवरात मिले हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।